हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल के सत्र में हम चर्चा किए थे 38वां अध्याय, जिसका नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। अक्रूर जी रथ वगैरह तैयार करके और जो है वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से अक्रूर जी देख रहे हैं कि उनके दाई ओर से जो है स्त्रियां जल भर करके निकल रही हैं, बच्चे को गोद में लेकर के हिरण गाय जैसे शुभ पशु उनकी दाहिनी ओर से गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब देखा है अक्रूर जी ने, उनके मन में ये निश्चय हो गया कि ये जो मेरी यात्रा है बिल्कुल सफल होने वाली है। और इस प्रकार से कृष्ण के विषय में चिंतन करते जा रहे थे, कृष्ण का ही ध्यान उनके चित्त में सब समय था। और हम चर्चा किए थे कि वो बार बार ये सोच रहे थे कि कृष्ण से मिलूंगा तो ये होगा, कृष्ण से मिलूंगा तो वो होगा, लेकिन क्या ऐसा होगा? प्रश्न भी उठते हैं और उत्तर भी स्वयं ही देते हैं। इस प्रकार से जो है उनके चित्त में कश्मकश उहापोह चल रही थी। तो आगे यहां पर लिखा है कि अक्रूर जी को निस्संदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं। भगवान विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। अक्रूर जी को ये चीज पता है कि वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो परम ईश्वर साक्षात श्री कृष्ण नारायण विष्णु हैं। तो यहां पर एक बात लिखी है जो कि भगवद गीता में भी भगवान स्वयं उस बात को सर्टिफाइड कर रहे हैं, उसको प्रमाणित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहां पर कि भगवान विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। तो कृष्ण क्या करते हैं? केवल दृष्टिपात करते हैं, उससे प्रकृति फलने फूलने लगती है। और कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है कि अहम बीज बीज प्रद पिता, कि मैं बीज प्रद पिता हूं सबका। तो इसीलिए जो बीज प्रद मतलब वो कोई ऐसे सीड बोरा में भर के दिया जाता, वैसा नहीं। केवल कृष्ण की दृष्टिपात से ही जो है वहां पर ये सब संभव हो जाता है। केवल कृष्ण के दृष्टिपात से ही वहां पर सृष्टि प्रारंभ हो जाती है, भौतिक सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो आगे कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, तथापि अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहां पर बहुत सुंदर एक बात कह रहे हैं कि यद्यपि जो विष्णु है, नारायण है, वो इस सारी भौतिक जगत के सृष्टा हैं। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कृष्ण का ही एक एक्सपांशन यानी कि कृष्ण का ही एक अंश विष्णु है, स्वांश है ना। तो विष्णु के द्वारा इस सृष्टि का सृजन, यद्यपि ब्रह्मा जी को हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृजन किए हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने पर हम पाएंगे कि ब्रह्मा जी तो केवल निमित्त हैं। भगवान ने अपनी दृष्टिपात से ही भौतिक सृष्टि में, भौतिक जगत में वो बीजारोपण कर दिया था कि भगवान की दृष्टि में ही वो सामर्थ्य है। महाभारत में हम सब देखे हैं कि जो वेद व्यास जो सत्यवती के पुत्र हैं पराशर ऋषि से, है ना,
तो वेदव्यास को सत्यवती बुलाती है, क्यों बुलाती है कि सत्यवती के जो दोनों पुत्र हैं विचित्र वीर और चित्रांगद वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। चित्रांगद का तो विवाह भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और बचा विचित्र वीर। विचित्र वीर का काशीराज की कन्याओं से विवाह हुआ था अंबिका और अंबालिका से, किंतु संतानोत्पत्ति से पहले ही वो भी मृत्यु के घाट उतर गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वंश कैसे चलेगा क्योंकि संतान नहीं है। तो पुरातन काल में, वैदिक काल में ये नियम था कि अगर बड़ा भाई संतान उत्पन्न करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है तो देवर के द्वारा संतानोत्पत्ति करवाई जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिन पर महाप्रभु ने आकर के प्रतिबंध लगा दिया है। कौन कौन से 5 नियम महाप्रभु ने बनाए हैं जो पहले चलते थे? अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ पहले होता था, महाप्रभु ने उस पर पाबंदी लगवा दी। अश्वमेध यज्ञ वैसे कोई कर भी नहीं सकता, अश्वमेध यज्ञ करना सबके बस की बात नहीं, कैसे करेगा कोई, क्योंकि कोई एक राजा तो है नहीं जो अश्वमेध यज्ञ कर लेगा। पहले एक राजा होता था जो सब क्षेत्रों को विजय करके और एक छत्र सम्राट बना रहता था। लेकिन आज के समय में तो गली गली में एक एक राजा है, गली गली में एक नेता है, तो अश्वमेध यज्ञ करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए महाप्रभु ने अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, त्रिदंड संन्यास, देवर के द्वारा संतान उत्पन्न कराना, भाभी और देवर के द्वारा संतान उत्पन्न कराना, बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, ये पहले होता था लेकिन महाप्रभु ने उस पर, महाप्रभु ने या पुराणों में, हाँ महाप्रभु ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया है, चैतन्य चरितामृत में मैंने अध्ययन किया था। और 5वीं चीज है यज्ञ में पशु बलि देना, नहीं यज्ञ में नहीं, पितरों के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर जो पशु बलि दी जाती है पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए। तो इन 5 चीजों पर महाप्रभु ने प्रतिबंध लगाया था कि कलयुग में ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। ना अश्वमेध यज्ञ होता है, ना गोमेध यज्ञ होता है, ना त्रिदंड संन्यास कोई धारण कर सकता है, ना ही कोई भावी देवर के द्वारा संतान उत्पन्न करने का विधान है। अगर ऐसा करेंगे तो वो अनीतिपूर्ण कहा जाएगा, और ना ही पशु बलि देना है पूर्वजों के लिए। तो भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज एक दिन अपना क्लास में ये 5 चीज पर डिस्कशन कर रहे थे कि महाप्रभु ने इन चीजों पर जो है प्रतिबंध लगाया है। तो अब भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज खुद ही बोल रहे हैं, अब आप लोग पूछेंगे कि मैं भी तो सन्यासी हूं, तो गुरु महाराज आपने कैसे सन्यास ले लिया? तब वहां पे गुरु महाराज ने क्लैरिफाई किया कि वैष्णव संप्रदाय में सन्यास लिया जा सकता है, किंतु वैष्णव संप्रदाय के अतिरिक्त, यानी कि शंकराचार्य संप्रदाय या जो भी मायावादियों का बुद्ध संप्रदाय, और भी पता नहीं कौन कौन से संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय है, शाक्य संप्रदाय है, गाणपत्य संप्रदाय है, स्मार्त ब्राह्मणों का संप्रदाय है, पता नहीं कितने संप्रदाय हैं, किंतु केवल वैष्णवों में त्रिदंड संन्यास की अनुमति अभी भी है। तो वैष्णव संप्रदाय कौन से, हम सभी जानते हैं, एक तो हमारा गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, दूसरा रामानुज संप्रदाय यानी कि श्री संप्रदाय, एक है कुमार संप्रदाय यानी कि निम्बार्क संप्रदाय, और एक है रुद्र संप्रदाय यानी कि वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग जिसको कहते हैं, है ना। तो इन संप्रदायों में संन्यास लिया जा सकता है, इन संप्रदायों में, वैष्णव संप्रदायों में त्रिदंड संन्यास की छूट है, किंतु वैष्णव संप्रदाय के अतिरिक्त संन्यास का कोई प्रावधान नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। और जैसे कि कल प्रभु जी क्लास में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे, ये जितने भी मायावाद है, जितने भी ये वाद हैं, मायावाद, भौतिकतावाद और बौद्धवाद और शंकराचार्यवाद और ये जितने भी वाद हैं, इन सब में एक ही ये लोग तथ्य प्रस्तुत करते हैं सब समय कि
जो मृत्यु मृत्यु के पश्चात जो ये आत्मा है ये अस्तित्वहीन हो जाता है, ब्रह्म में जाकर के मिल जाता है और अस्तित्वहीन हो जाता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इन सभी संप्रदायों का, बौद्ध संप्रदाय में भी यही बोलते हैं, शून्य शरीर छूटने के बाद वो आत्मा जाकर के शून्य में मिल जाता है, मतलब उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मायावाद, शंकराचार्यवाद, इन सब में भी यही बोलते हैं कि ब्रह्म में जाकर के मिल जाता है और अस्तित्वहीन हो जाता है। किंतु केवल वैष्णव संप्रदायों में ये विधान है, इस चीज पर जोर दिया जाता है कि नहीं, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी अस्तित्वहीन नहीं होता है, वो अस्तित्व में रहता है और भगवान की नित्य लीला में, नित्य धाम में निवास करके उनको सेवा देता है अपनी। यही वैष्णव संप्रदायों का और इन मायावादियों के संप्रदाय का और ये मोनिज्म और जितने भी इज्म हैं, इन सब के बीच का यही डिफरेंस है ना। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, तथापि अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी प्रकृति के अधीन हैं, लेकिन ये प्रकृति प्रकृति से परे पुराण पुरुष भगवान नारायण के अधीन है, श्री हरि विष्णु जगदीश जगन्निवास उनके अधीन है। तो जब जो कोई चीज किसी के अधीन होती है तो वो उसके प्रभाव में तो आ सकता नहीं है ना। मान लीजिए एक जादूगर है, वो जादू करता है, तो उसके उस भ्रम जाल में जनता जो देख रही है, जो उसके भ्रम जाल को नहीं जानती है, वो उसके भ्रम जाल में फंस जाएगी। ओ देखो कितना सुंदर जादू कर रहा है, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंटेड आदमी है सब। इस प्रकार से जो है जादूगर का जो जादू है उसके भ्रम जाल में वही फंसेगा जिसको उसके पीछे का, उसकी हाथ की सफाई जिसको नहीं पता है वही फंसेगा है ना। किंतु जो जानता है, यानी कि जो जादूगर के साथ जो वो रहता है, उसका बंदर या जो भी उसके असिस्टेंट रहते हैं, उसके सहकर्मी रहते हैं, वो जानते हैं कि जो मास्टर है हमारा जादू जादू करने वाला ये कैसे क्या कर रहा है, हमको सब पता है, हम रोज देखते हैं। उसी प्रकार से जादूगर अपना जादू कर रहा है तो उसको पता है कि वो किस प्रकार से वो कर रहा है, तो वो उसके प्रभाव में नहीं आता, यानी कि वो फंसता नहीं है कि ओ इतना सुंदर जादू हो गया ये वैसा है ना। उसी प्रकार से भगवान विष्णु इस भौतिक सृष्टि का सृजन जरूर करते हैं, लेकिन इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। जैसे कि भगवान ने सृष्टि बनाई तो किसका आश्रय लिया था, माया का, माया यानी कि महामाया का, जिसको हम देवी पार्वती देवी दुर्गा के नाम से जानते हैं। तो ये महामाया है जो इस भौतिक सृष्टि की देवी है, स्वामिनी है। तो वो जो देवी हैं उनको आश्रय लेकर के, आश्रय मतलब ऐसा नहीं कि उनसे हेल्प ली है, उनको काम में लगाया है भगवान विष्णु ने कि इस प्रकार से इनके द्वारा ये भौतिक सृष्टि का संचालन होगा। तो किंतु विष्णु ने वहां पर महामाया यानी कि भौतिक प्रकृति का आश्रय लिया है, किंतु भगवान स्वयं उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, विष्णु स्वयं उसके प्रभाव में नहीं आ सकते, वो उसके प्रभाव से मुक्त रहते हैं, है ना। तब आगे अक्रूर जी सोच रहे हैं कि अपनी अंतरंगा शक्ति से वे प्रकृति के अंधकार को भेद सकते हैं। अंतरंगा शक्ति, हमारी विभा माता जी ने कल या परसों के दिन में एक कल या परसों का प्रश्न पूछा था एक, कि ये जो अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति कुछ इस प्रकार से प्रश्न था, तो लक्ष्मी जी कौन सी शक्ति में आती हैं। तो आज सौभाग्य से सुबह जब 4 बजे नींद खुली है तो ठंड इतनी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्या करूं, उठने की इच्छा नहीं हो रही है, तो फोन तो पास नहीं रहता है अलार्म के लिए, तो फोन को उठाया और चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू कर दिया। तो
आज चैतन्य चरितामृत में इतना सुंदर वहां पे वर्णन था कि ये जो सारी लक्ष्मी है और हम ब्रह्म संहिता में सुन चुके हैं, सबको याद है ना कि लक्ष्मी एक नहीं है, कितनी लक्ष्मियां हैं गोलोक वृंदावन में, और हमारी गीता माता जी तो अध्ययन भी कर रही हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, एक दो लक्ष्मी नहीं, अनेकानेक लक्ष्मियां वहां पर नित्य कृष्ण की सेवा में तत्पर हैं, कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, है ना। तो चैतन्य चरितामृत में मैंने आज अध्ययन किया तो ये पाया कि श्रीमती राधा रानी सबसे पहले कृष्ण हैं, और कृष्ण की जो आनंददायिनी शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है, लादिनी शक्ति जो है, उसका स्वरूप है श्रीमती राधा रानी, उसका साकार स्वरूप है। यानी कि कृष्ण है, कृष्ण के अंदर ही सब तरीके की शक्तियां हैं, संधिनी शक्ति है, संवित शक्ति है, लादिनी शक्ति है। तो कृष्ण ने क्या किया, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए, अपने आनंद का वर्धन करने के लिए कृष्ण ने अपने अंदर से उस लादिनी शक्ति यानी कि आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी को विस्तारित किया, अपने अंदर से उसको बाहर विस्तारित किया, है ना। और कृष्ण के द्वारा वो शक्ति यानी कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण के ही श्री अंग से प्रकट हुई, कृष्ण के अंदर ही वो पहले थी, लेकिन वो एक से अब दो हो गए, क्योंकि वो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, कृष्ण का ही अंश है। तो श्रीमती राधा रानी पहले कहां से आई, कृष्ण से प्रकट हुई, कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति का साकार मूर्तिमान स्वरूप। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण बहुत सारे पूर्णांशों में अपने आप को विभक्त किए हैं, अपने आप को बांटे हैं। तो कृष्ण का सबसे पहला पूर्णांश कौन सा है, मैं बहुत बार बता चुकी हूं, अगर आप में से किसी को याद हो तो। कृष्ण के बाद तुरंत कौन सा उनका पूर्णांश है, आप में से यदि किसी को स्मरण में हो तो, कृष्ण के बाद तुरंत उनका कौन सा एक्सपांशन होता है, उनका कौन सा अंश है, विभा माता जी आपको याद है? बलराम। हाँ बिल्कुल ठीक कहा माता जी ने। एक मिनट माता जी, मैं दूध लेकर के आती हूँ, प्रभु जी तो बाहर चले गए पता नहीं कहाँ, मुझे दूध लेना पड़ेगा, आप लोग दो मिनट वेट कीजिए। कृष्ण का जो प्रथम पूर्णांश है वो कौन है, बलराम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो कृष्ण के बाद तुरंत है बलराम, है ना, और बलराम के बाद है संकर्षण, याद है ना आपको, है ना, संकर्षण के बाद है महासंकर्षण, महासंकर्षण के बाद है चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह मतलब वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना। उसके पश्चात ये जो चतुर्व्यूह है, इस चतुर्व्यूह में से जो संकर्षण है उसके बाद एक और चतुर्व्यूह आता है, ये जो इसमें से ये चतुर्व्यूह है, इसमें जो संकर्षण है इसमें से फिर एक और संकर्षण होता है, फिर उस संकर्षण से चतुर्व्यूह आता है, यानी कि वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और फिर ये जो चतुर्व्यूह है
इस चतुर्व्यूह के वास्तु संकर्षण में से महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु जिनको हम कारणोदक्षय विष्णु के नाम से जानते हैं, जो कारण समुद्र में जो लेटे होते हैं, और कारण समुद्र में लेटे जब वो हैं तब उनके जो श्वास प्रश्वास जो उससे बबूले उठ रहे हैं और उनके जितने रोम छिद्र हैं उन सब में से अनेकानेक ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो मूल तत्व यहाँ पर हमको समझना है, जैसे कृष्ण का तुरंत अंश है, पूर्णांश है सबसे पहला बलराम, वैसे ही श्रीमती राधा रानी ने भी अपने आप को बहुत सारे पूर्णांशों में विस्तारित किया है। आज चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने पर पाया कि श्रीमती राधा रानी की अंग कांति से सबसे पहले प्रकट होती है ब्रज की गोपिकाएं, जो कि कृष्ण को आनंद देने में, कृष्ण का आनंद बढ़ाने में राधा रानी की सहायता करती है। कि कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी कृष्ण को और ज्यादा आनंद मिले इसके लिए अपने आप को इतनी सारी सखियों में विस्तारित करती है, ब्रज की गोपिकाओं में। तत्पश्चात श्रीमती राधा रानी का जो एक और अंश है वो है लक्ष्मियां, बहुत सारी, जो लक्ष्मी सहस्त्र सेव्यमानम, श्रीमती राधा रानी का ही अंश है वो सारी लक्ष्मी की, लक्ष्मी मतलब भाग्य की देवियां। और श्रीमती राधा रानी का ही एक और विस्तार है भगवान की वो सारी महिषियां, जिनका इतने दिनों से प्रभु जी आप लोगों को समझा रहे, महिषियां यानी कि भगवान की वो 16108 पटरानियां, ये सब श्रीमती राधा रानी का अंश है। अच्छा, एक सीधी सी चीज को हम समझ जाएं कि कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण को अलग अलग रूपों से आनंद देने के लिए ही श्रीमती राधा रानी इतने अंशों में अपने आप को विस्तारित करती है, है ना। ब्रज गोपिकाओं के रूप में कृष्ण को आनंद देती है, कृष्ण की जो लक्ष्मी वो जहां उनके गोलोक में सेवा करती है, कृष्ण को आनंद देने के लिए कृष्ण की सेवा करती है वो सारी लक्ष्मियां मिलकर के। तत्पश्चात ये जो 16108 रानियां, ये क्या करती है? ये भी कृष्ण को आनंद देने का काम करती है, है ना। तो राधा रानी इतने विस्तार करके अपने आप को इतने अंशों में विस्तारित करके एक ही कार्य उनका है, कृष्ण को आनंद प्रदान करना, बस। तो आगे से अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर ये श्रीमती राधा है क्या, भगवान ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं की, तो आप उसको उत्तर दे सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी कोई अलग तो है नहीं। अगर मान लीजिए मैं अपने आप को एक आईने में देखूं और उसमें मैं अपना प्रतिबिंब देखूं और मैं ये सोचूं कि वाह आज तो मैं बहुत सुंदर दिख रही हूं, तो क्या मेरे लिए संभव है कि उस प्रतिबिंब से मैं शादी रचाऊं? नहीं, ये संभव नहीं है। तो ऐसा ही श्रीमती राधा रानी कृष्ण का ही प्रतिबिंब है, कृष्ण का ही, कृष्ण की ही शक्ति है, आनंददायिनी शक्ति, आनंद वर्धिनी शक्ति, कृष्ण के आनंद को बढ़ाने वाली, कृष्ण को आनंद देने वाली ही श्रीमती राधा रानी है, है ना। तो यहां पर जो पॉइंट आया है उस पर मुझे ये सब कुछ याद आया कि अक्रूर जी क्या विचार कर रहे हैं रास्ते में चलते चलते रथ पर बैठे बैठे, कि अपनी अंतरंगा शक्ति से वे प्रकृति के अंधकार को भेद सकते हैं। तो अंतरंगा शक्ति का तीन विस्तार है हम समझ गए हैं। अंतरंगा शक्ति का सबसे पहला विस्तार है श्रीमती राधा रानी, और फिर राधा रानी से तीन विस्तार हैं वो भी हम समझ गए, है ना। तो आदि विष्णु श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से अपनी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन के निवासियों की सृष्टि की। अब देखिए बहुत सुंदर पॉइंट लिखा है यहां पर, आदि विष्णु श्री कृष्ण, उनको आदि विष्णु कहा है क्योंकि कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण के बराबर कोई नहीं, इस बात को मैं कई बार बोल चुकी हूं। और आज का जो क्लास, आज का क्लास कौन कौन सुने सुबह में मायापुर टीवी हिंदी में जो हुआ था, विभा माता जी तो सुने हैं, वो तो मुझे फोन पर बता के बोल दिया उन्होंने कि मैंने तो बिल्कुल ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो उस पूरी क्लास में आज यही सार तत्व हुआ
कि एकमात्र कृष्ण की ही उपासना पूजा अर्चना सब कुछ कृष्ण का ही करना चाहिए, इधर उधर भटकने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो कृष्ण जो है आदि विष्णु जिनको यहां पर संबोधित किया गया है, तो उन्होंने अपनी उसी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन वासियों को बनाया। क्यों कृष्ण को इतना आनंद वृंदावन, एक मिनट, प्रभु जी ना ऐसे टाइम पर चले जाते हैं, दूर लेना था मुझे इस समय। तो हम रिज्यूम करते हैं। तो कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति से वृंदावन वासियों का विस्तार किया था, है ना। आज प्रभु जी क्लास में एक पॉइंट बोले थे, किस किस को याद है कि ये जो सारे यदुवंशी हैं, वृष्णिवंशी हैं, ये सब कौन है? देवी देवता हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं। किंतु वहां पर प्रभु जी ने वृंदावन वासियों का नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि वृंदावन वासी जितने भी हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी कि श्रीमती राधा रानी यानी कि भगवान की आनंद दायिनी शक्ति का विस्तार है। तभी तो ना ब्रजवासी कृष्ण को इतना आनंद देते थे। गोपियां तो हम समझ ही गए कि श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। ब्रजवासी क्यों कृष्ण को इतने प्रिय हैं? एक बहुत सुंदर दोहा है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। कि ब्रजवासी मेरे वल्लभ है, मेरे प्राण है, हाँ। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, कृष्ण अपना जीवन अपना प्राण बता रहे हैं उनको, अपना वल्लभ। वल्लभ किसको बोलते हैं? पति, कांत को बोलते हैं वल्लभ। और कृष्ण जो जगतपति हैं वो अपना वल्लभ ब्रजवासियों को बता रहे हैं। तब दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि इनको ना ही बिसारी हो मुहे नंद बाबा की आन, इनको मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे नंद बाबा की सौगंध है। तो ये ब्रजवासियों का स्तर है। ब्रजवासी, ब्रज के बाहर जितनी भी भगवान की लीला हुई है वो सब निश्चित रूप से देवी देवता या उनके पार्षदगण आए होंगे सहयोग करने के लिए लीला में। लेकिन ब्रज मंडल के जो ये सारे ब्रजवासी हैं भोले भाले, ये सब अंतरंगा शक्ति यानी कि श्रीमती राधा रानी का विस्तार है, है ना। ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण का प्रेम इसी से साबित होता है कि कृष्ण ने पग पग पर उनकी रक्षा की है। गोपी गीत में गोपियां क्या बोल रही है कि रक्षिता मुहु, आपने बार बार हमारी रक्षा की है। कृष्ण स्वयं उनसे कितना प्रेम करते हैं। और ब्रह्मा जी जब आए थे ना, जब ब्रह्मा जी बछड़ा वगैरह सब चुरा लिए थे और जब वापस देने आए और क्षमा मांगने आए, 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, तो आखिरी में जाते जाते भगवान को थोड़ा सा उकसाने के लिए कि कुछ बोलेंगे, लेकिन भगवान ने एक शब्द भी वहां बोला नहीं है। तो वहां पे ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि आप जो आपको ये जो ब्रजवासी इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना अपार प्रेम आप पे लुटा रहे हैं, क्या आप कभी इन लोगों के ऋण से उऋण हो सकते हो? कभी नहीं। तो ब्रह्मा जी वहां पे क्या बोल रहे हैं कि आप देवताओं के समान आयु प्राप्त करके भी ब्रजवासियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी असल में उकसा रहे भगवान को कि भगवान कुछ बोलेंगे कि ठीक है मैंने तुमको माफ किया। लेकिन ब्रह्मा जी से वहां पे भगवान एक भी शब्द नहीं बोले। ये अध्याय हमारा जा चुका है, हम चर्चा कर चुके हैं इस पे बहुत अच्छे से, है ना। तो समझने वाली बात जो है, ब्रजवासी भगवान के जीवन प्राण धन है। क्यों? क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। कृष्ण की प्राण प्रिया, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, कृष्ण की आनंददायिनी आनंद वर्धिनी शक्ति जो श्रीमती राधा रानी है, उनका विस्तार ये ब्रजवासी, ये सारे वृंदावन वासी हैं। इसीलिए तो कृष्ण को इतना इनसे प्रेम है। कृष्ण इसीलिए तो इनको इतना इतना इनके प्रति प्रेम दिखाते हैं, है ना। तो आगे जो है कह रहे हैं, अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में यह भी पुष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण का धाम एवं विशेषता
उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार हैं। श्री कृष्ण का धाम कौन सा है, हम सभी जानते हैं, गोलोक वृंदावन है ना। तो ब्रह्म संहिता के सेमिनार में ये बात पे बहुत अच्छे से चर्चा हो चुकी है कि भगवान का जो दिव्य गोलोक वृंदावन धाम है उसकी विशेषता और उस धाम का जो पूरा विस्तार है वो भी अंतरंगा शक्ति के कारण है ना। अंतरंगा शक्ति कौन है, हम सभी जानते हैं, श्रीमती राधा रानी। अंतरंगा से शब्द जब भी आए, अंतरंगा शक्ति शब्द जहां भी आए, आपके मन में एक ही विचार आना चाहिए, कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति। ठीक है, ये जो तीन शक्तियां हैं, आज थोड़ा मैं इन पर विस्तार, कल जो मैंने अध्ययन किया था वो मैं आप सबके सामने रख देती हूँ। तीन शक्तियां हैं, लादिनी माने की आह्लादिनी, संवित और संधिनी। तो ये जो संधिनी है इसके द्वारा भगवान अपना अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व बना रहता है सब समय, कभी नष्ट ना होने वाला, ये है भगवान की संधिनी शक्ति। उसके बाद है संवित शक्ति भगवान की। चैतन्य चरितामृत में इतना सुंदर वर्णन है ना, सच में अगर आप अध्ययन करेंगे ना तो और कोई डाउट ही मन में नहीं रहेगा श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के संदर्भ में। संवित शक्ति जो है, संवित शक्ति का काम क्या है, संवित शक्ति भगवान को खुद का ज्ञान करवाती है और भक्तों को भी मदद करती कि हम भगवान को जान सके। एक बार फिर से मैं समझा दूं, संवित शक्ति क्या काम करती है, संवित शक्ति काम करती है भगवान को भी जानवाती है कि भगवान क्या है, और हमको भी सहायता करती है भगवान को जानने में। ठीक है, संधिनी क्या काम करती है, भगवान का अस्तित्व बनाए रखने में का कार्य करती है। संवित शक्ति क्या कार्य करती है, भगवान को भी उनके बारे में जानवाती है और हमको भी सहायता करती है भगवान को जानने में। अभी जिस पे हम कार्य कर रहे हैं ये भगवान की संवित शक्ति है। हम क्या कार्य कर रहे हैं, रोज क्या कर रहे हैं, हम भगवान को जानने की चेष्टा कर रहे हैं, है ना। तो ये भगवान की संवित शक्ति है। और आह्लादिनी शक्ति जो सबसे मुख्य और कृष्ण की सबसे प्रिय शक्ति है, जो कृष्ण को आनंद देती है और कृष्ण के भक्तों को भी आनंद देती है। कैसे कृष्ण को आनंद देती है, कैसे कि भक्त, कल मैं सुन रही थी किसी प्रभु जी को, तो उसमें वो बोल रहे थे कि श्रीमती राधा रानी क्या करती है, कि चाहे जैसा भी भक्त हो अगर श्रीमती राधा रानी की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो कृष्ण को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने उसको स्वीकार कर लिया है, है ना। तो श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से कृष्ण को आनंद देती है कि भूले भटके जीवों को लाकर के कृष्ण की चरण शरण में बिठा देती है। इस प्रकार से वो कृष्ण को भी आनंद देती है और कृष्ण के भक्तों को भी आनंद देती है। हमको कैसे आनंद देती है, ये सब जो ग्रंथ हैं, ये सारे जो विस्तार हैं ग्रंथों का, श्रीमद् भागवतम की कक्षा में शायद एक बार मैंने कहा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, श्रीमद् भागवतम की कक्षा में कहा था, मायापुर टीवी हिंदी में या नवदा भक्ति में कहा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जरूर था कि ये जो भागवतम है ये साक्षात कृष्ण है। तेने वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरी। ये जो भागवतम है या जितने भी ग्रंथ हैं वैदिक ग्रंथ, ये साक्षात श्री कृष्ण है, भगवान का शब्दमय वाणीमय रूप है, और उनका एक एक अक्षर जो है वो है श्रीमती राधा रानी। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम क्यों नहीं है, किंतु ये जो एक एक अक्षर है श्रीमद् भागवतम का, ये साक्षात श्रीमती राधा रानी है। तो आपको और क्या प्रमाण चाहिए, हम जब भागवतम का अध्ययन करते हैं, भागवतम सुनते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो आनंद मिलता है ना, आनंद की अनुभूति होती है ना, यही तो श्रीमती राधा रानी है। आनंद कृष्ण को आनंद देती है और कृष्ण के भक्तों को भी आनंद देती है।
तो तीनों शक्तियों पे चर्चा हो गई। सबसे पहली है संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति यानी कि जो कृष्ण को भी उनका स्वरूप, कृष्ण को उनका अस्तित्व बनाए रखने में सहायता करती है, और संवित शक्ति जो कृष्ण को भी जनवाती है उनके स्वरूप के विषय में, और भक्तों को भी सहायता करती है कृष्ण के विषय में जानने में। और तीसरी सबसे मुख्य आह्लादिनी, लादिनी शक्ति जो कृष्ण को भी आनंद देती है और कृष्ण के भक्तों को भी आनंद देती है। तो ये बहुत ही सुंदर और गूढ़ विषय है। चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने पे इतने नवीन नवीन, इतने अद्भुत अद्भुत विषयों का उद्घाटन हो रहा है, जिनको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये सब आज तक नहीं मिला था मुझे। और आज तो सुबह सुबह उठते ही मैंने सोचा कि चलो आज चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई पॉइंट मुझे क्लास में काम आ जाएगा। और मैंने बोला भी था श्रीमती राधा रानी के विषय में, मैंने वहां भी बोला था आज क्लास में, श्रीमती राधा रानी का जो ये पूरा प्रसंग है इसको कुछ कुछ मैंने अंश वहां भी बोले हैं आज क्लास में। तो हमारा टाइम लिमिट जो है पूरा हो जाएगा, केवल 9 मिनट 50 सेकेंड हमारे पास है। तो इस प्रकार से अंतरंगा शक्ति जो है ये बहुत गूढ़ विषय, अंतरंगा शक्ति पे बहुत लंबा क्लास हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आगे कह रहे हैं कि वही अंतरंगा शक्ति जो वे गोकुल वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं, तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो क्लास हुआ है उसके विषय में भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे, ओवरव्यू वगैरह जानेंगे। तो आधा पैराग्राफ हो पाया, क्योंकि विषय इतना सुंदर है ना सच में, केवल आधा पैराग्राफ पे मैं बोल पाई, 36 मिनट गुजर गया है। तो आज की इस सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, हरे कृष्णा, और सुबह के क्लास से संबंधित भी यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा मत्त जी। हरे कृष्णा मत्त जी। जैसे हम लोग भगवान की 16108 पटरानियां बोलते हैं, तो रानी और पटरानी में क्या अंतर है? भगवान की रानियां नहीं बोल सकते हैं, हम लोग अक्सर पटरानी बोलते हैं। कुछ अंतर वैसे विशेष होता नहीं है। पटरानी वैसे जो अष्ट पटरानियां हैं, मुख्यतः हम उन्हीं को बोलते हैं पटरानी, जो अष्ट प्रकृति का स्वरूप है ना, जो मुख्य पटरानियां अच्छा। हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, नाग्नजिति, ये जो 8 पटरानियां हैं मुख्यतः हम इन्हीं को पटरानी बोलते हैं और बाकी सबको रानियां बोलते हैं। किंतु वो वाक्य बोलने में हो जाता है कभी कभी कि 16108 पटरानियां, कुछ विशेष उसमें अंतर है नहीं। अंतर है क्या? नहीं, प्रभु जी भी बोल रहे हैं कोई विशेष अंतर नहीं है, इसलिए भगवान का रानी है इसलिए पटरानी। हाँ, भगवान की वो रानियां हैं इसीलिए उनको पटरानी कहा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा और सम्मान सूचक लगे, है ना। क्योंकि वो कौन है? श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। अभी हमने समझ लिया उस बात को, श्रीमती राधा रानी के 3 विस्तार है ना। सबसे पहले ब्रज की गोपियां, उसके बाद भाग्य की देवियां जितनी भी लक्ष्मियां हैं, और फिर भगवान की 16108 पटरानियां। तो श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है, कृष्ण को आनंद देती है अलग अलग अपनी अपनी सेवा से, तो वो सब इसीलिए पटरानी कहा जाए, रानी कहा जाए, कोई विशेष उसमें अंतर नहीं है। ठीक है माता जी। और माता जी, जैसा कि हम लोगों ने जानते हैं कि राधा रानी से कृष्ण भगवान का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन कई कथाओं में ऐसा वर्णन आता है ब्रह्म पुराण के अनुसार कि क्या कि वृंदावन में कोई ऐसा जगह है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा जी को विवाह कराया था कृष्ण भगवान से, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, गर्ग संगीता में उसका वर्णन। हरे कृष्ण माता जी। तो गर्ग संहिता में उसका बहुत सुंदर वर्णन है कि एक बार भगवान कृष्ण छोटे से हैं, 2.5-3 साल के हैं मात्र, अपने बाबा नंद के साथ में जिद कर दिए, तो नंद बाबा भी गोदी में उठा करके ले गए गैया चराने। नंद बाबा जब जाते थे, छोटे से कन्हैया गोदी में खेल रहे थे, एकदम बिल्कुल तेज वर्षा होने लगी। भांडीर वन नाम से एक जगह है व्रज चौरासी कोस में, जो गोकुल के है, जिसका नाम है भांडीर वन। तो वहां पर जाकर के बहुत तेज वर्षा होने लगी, तो नंद बाबा एक पेड़ की छांव में खड़े हो गए। अब नंद बाबा तो एकदम खड़े हैं, तो वहां आती है श्रीमती राधा रानी।
एकदम स्वर्ण के जैसी कांति, और कृष्ण को और नंद बाबा की गोद से ले लिया अपनी गोद में और भांडीर वन में प्रवेश कर दी। नंद बाबा स्तब्ध हैं, वो स्टैचू बच्चे लोग खेलते ना स्टैचू, वैसे हो गए नंद बाबा, है ना, उनका हाथ जैसा का जैसा ही रह गया। और कृष्ण को लेकर के भांडीर वन में जैसे ही श्रीमती राधा रानी गई है तो श्रीमती राधा रानी के हाथों का स्पर्श होने से कृष्ण भी 2.5-3 साल के जो बालक थे वो बन गए 16 वर्ष के नवयुवक, एकदम नवल किशोर। और कृष्ण का वहां पर राधा रानी के साथ विवाह साक्षात ब्रह्मा जी ने पढ़ा है, विवाह ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चार करके विवाह पढ़वाया है, और सभी देवी देवता वहां आहुति देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए थे। तो जब विवाह संपन्न हो जाता है सारे देवी देवता चले जाते हैं, श्रीमती राधा रानी आकर के कृष्ण को वापस नंद बाबा की गोद में देके चली जाती है। तो ये गर्ग संहिता में इसका वर्णन है, ठीक है माता जी। जी हाँ। जी वही कहीं सुनी थे तो हम सोचे कंफ्यूजन लग रहा है दूर करते हैं, ठीक है माता जी, बहुत सुंदर अच्छा से तो आप आज सुबह का क्लास सुने थे माता जी, है ना। जी 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 अच्छा, सुबह क्लास सुने थे, बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत सुंदर लगा। आप पता नहीं आज थोड़ा ध्यान से सुने थे, थोड़ा समय था इसलिए, क्या बहुत सुंदर, ऐसे तो आपको क्लास बहुत सुंदर लगता है, सभी भक्तों को पसंद है, लेकिन आज वाला क्लास तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आज मैं खुद भी पर्सनली बहुत प्रसन्न थी क्लास देकर भी, क्योंकि वो जो पॉइंट था ना वो मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट था आज। वो जो एक पॉइंट है कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, साधे सब जाए, हाँ, ये मुझे खुद भी बहुत पसंद है, मेरे अपने जीवन का अनुभव है। जी जी। और जब व्यक्ति अपना अनुभव सुनाता है वो ज्यादा प्रभावकारी होता है, ये मैंने होता है ना। तो ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना प्रेम दिखाने के लिए, आप लोगों के प्रेम के कारण ही इतना कुछ बोलने का सामर्थ्य होता है। और हमारे नंद किशोरी माता जी लगता है ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ विशेष पदार्थ बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। ओहो हो, बहुत सुंदर, ये देखिए इतना सुंदर सुंदर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अभी देखे कि आपका जूम क्लास चल रहा है, फोन लगा रहे थे कि गुड़ दूध में गुड़ डाल के भोग लगा सकते हैं, क्यों नहीं, गुड़ गुड़ उसमें क्या दिक्कत है, तो बहुत सुंदर है। असल में कृष्ण जो है, आप कृष्ण को ना शहर का मत मानिए, वो कृष्ण बिल्कुल ठेठ गांव देहात का आदमी है, गुड़ रोटी खाते थे, ठीक है, बेझर की रोटी, मैया बेझर की रोटी बना करके उस पे माखन लपेट के और ऐसे गोला बना के रोल बना के देते थे, कृष्ण वही आंगन में डोलते 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 खाते रहते थे। वो कोई हमारे शहरों के सोफिस्टिकेटेड बच्चों की तरह नहीं है जो डिनर टेबल पे बैठ करके, डाइनिंग टेबल पे बैठ करके ऐसे चम्मच से और कांटे से खाए, नहीं, हमारा कृष्ण बहुत ही डाउन टू अर्थ है, एकदम देहात का सीधा साधा बालक है। मक्का के रोटी बनाए हैं और दूध में गुड़ डाल के उनको जा रहे हैं भोग लगाने, मक्का के रोटी बनाए हैं। यशोदा मैया याद आ जाएगी कि मेरी यशोदा मैया भी मुझे ऐसे दूध रोटी खवाती थी। जी माता जी, ठीक है माता जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप भगवान के लिए भोग तैयार कीजिए। तो हमारे गीता माता जी भी साथ में है, गीता माता जी हरे कृष्णा। हाँ अरे तो आज क्या भोग कराई बताओ, डोसा और चने की सब्जी। ओ बारे, इतना सुंदर, देखिए तो जो आपके मन में आए श्रद्धा से आप बनाइए, बस हम लोग तो निरामिष ही खाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लहसुन प्याज चाय कॉफी तो हमारे घर में चलता नहीं है, तो फिर जो आपके मन में आए। मैंने तो आज पास्ता बनाने का प्लान किया है, अभी मैं यहाँ से अगर फ्री हो जाऊं, मेरे को टाइम मिला तो मैं पास्ता बनाऊंगी, आज तो नहीं बन पाएगा, टाइम बहुत हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैंने पिज्जा बनाया था, तो कृष्ण को प्रेम से, आज कृष्ण सब खाते हैं, प्रेम से खिलाओ ना, बस क्या दिक्कत है, मक्का की रोटी खिलाओ या वो जो गेहूं का आटा छानने के बाद जो वो चपड़ा बचता है उसका रोटी बना के खिला दो, क्या दिक्कत है, प्रेम होना चाहिए। तभी तो ना विदुर जी के घर छिलका खा गए थे, प्रेम खा, जी, जी। प्रेम था तभी तो ना,
अगर प्रेम नहीं होता तो क्या वो छिलका खाते? भगवान को भी छिलका खिला सकता है, किसकी सामर्थ्य है भगवान को छिलका खिलाने की? ठीक है माता जी। तो गीता माता जी आपको कोई प्रश्न है आज सुबह का जो क्लास हुआ उससे संबंधित या अभी का क्लास हुआ उससे संबंधित? नहीं कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया मतलब सब बोले, कुछ समझ में सब समझ में आ गया ना, इसलिए अब समझ में नहीं आता तो पूछती हूँ। ठीक है, तो यही विश्राम करते हैं क्योंकि एक मिनट से भी कम समय बचा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सीतानाथ प्रेमानंदे हरि 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 हरि। ले लो हम।